हटीन के सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास का विदाई समारोह आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने म्यूजिक चलाकर डांस किया और अपनी छोटी क्लास के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए उत्साहित भी किया। समारोह के आयोजन के मौके पर हतीन उपमंडल अधिकारी नागरी या मुख्य अतिथि एसडीएम लक्ष्मी नारायण एवं विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड जज कर्नल आरवीर, खंड शिक्षा अधिकारी संगीर अहमद, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश कुमार, स्कूल के चेयरमैन नरेश कुमार ने पुष्प माला पहनाकर एवं वॉइस चेयरमैन नीलम एवं डायरेक्टर निशा शर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें मुख्य अतिथि का जोरदार स्वागत किया गया एवं उनके विद्यालय में आगमन पर नन्हे छात्राओं ने तिलक लगाकर विद्यालय में प्रवेश कराया एवं हिंदुस्तान स्काउट के छात्रों ने वेलकम क्लैप बजाकर एवं फूलों की वर्षा की। अतिथियों ने बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें सफलता का मूल मंत्र बताई। एसडीएम ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए नैतिक गुणों का बहुत महत्व होता है, इसलिए नैतिक मूल्यों को अपनाएं एवं आदर्श बनें। वहीं दूसरी ओर कर्नल ने छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अपनी ऊर्जा व्यर्थ कामों में ना लगाएं, अपने समय एवं ऊर्जा का सही उपयोग करें। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से सभी अतिथियों का मन मोह लिया। स्कूल के चेयरमैन नरेश कुमार ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। खंड शिक्षा अधिकारी मिस्टर सतीश कुमार जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज एस एल सी हथीन, यूपी भारद्वाज, बीपी भारद्वाज लेक्चर इन इंग्लिश। प्यारे साथियों, बच्चों, मुझे उसका कुछ कारण रहा कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो उसका। पहले एसडीएम साहब ने थोड़ा सा लेट का टाइम दिया था, फिर उन्होंने जल्दी का दिया, तो इस वजह से मैं उस टाइम में नहीं आ सका और फिर वहाँ अटक गया रास्ते में। उसके लिए आप लोगों ने जो दिल से स्वागत किया उसका मैं बहुत आभारी हूँ। अभी उस आभार को मैं इस तरह उतारना चाहता हूँ कि मैं भी जिस तरह से आप स्कूल में बैठे हैं इस तरह से बैठा था, और जो लोग आते थे हर साल फंक्शन होते थे तो उनकी बातें सुनता था। यहाँ मेरे आने से पहले दूसरे जो साथी जिनका मैंने नाम लिया है इन्होंने भी बोला है, सभी ने अपने तजर्बे बतलाए हैं और वो विशेषकर आपकी उन्नति के लिए बातें हुई है कि हम कैसे उन्नति कर सकते हैं। मैं अपना तजुर्बा बताऊं, मैं भी गांव के स्कूल में पढ़ा हूं, ये तो फिर भी स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, पक्का है, वहां तो जमीन पर बैठते थे फर्श में और इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं थी। वहां से उठ के मैं कॉलेज में जाने के बाद मैंने विश्वास किया कि भाई कोई भी नौकरी करनी है तो अफसर से नीचे नहीं करनी, और अगर आप निश्चय करते हैं किसी चीज का और उसकी तरह लगन करते हैं तो आप जरूर उसको प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कृपा हुई भगवान की, मैं 3 मैंने पास किए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट क्लर्क्स, बहुत अच्छी तनख्वाह होती थी। फिर मैं हाईकोर्ट चंडीगढ़ में एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में साथ के साथ करिए इसका आया, इसका रिजल्ट भी मैंने थ्रू हुआ। पहली दफा ही मैंने एसएसबी पास कर लिया, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी क्योंकि आर्मी में नहीं जाना चाहता था, मैं ज्यादातर पुलिस में चाहता था। तो वो जैसा अच्छे विचार भी आपके अंदर आएंगे, अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ होता है तो ना तो उसमें अच्छे विचार आते हैं ना वो पढ़ पाता है। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और जो अच्छे विचार रखें, अच्छी जीवन शैली अपनाएं। और मैं साथ में +1 के विद्यार्थी हैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि एक वर्ष बाद इसमें आएंगे, परीक्षा तो आपकी भी होने वाली है, तो इसलिए ये ना समझें कि बोर्ड की परीक्षा होती है वही परीक्षा होती है।
जो भी स्टेज होती है उसका अपना महत्व होता है, इसलिए जो सिलेबस आपको प्लस टू में पढ़ाया जा रहा है वो प्लस टू में भी काम आएगा और आगे भविष्य में भी हमेशा के लिए काम आने वाला होता है। तो ये ना हो कि हम तो प्लस वन में हैं, हो जाएंगे, होते रहेंगे पास। तो जिस कक्षा का जो सिलेबस होता है उसको पूरी तरह से आत्मसात करें, अच्छी तरह से सीखें। ये नहीं है कि सिर्फ नंबर प्राप्त करने के लिए आप उसको पढ़ें। अभी इम्पोर्टेंट पर्सन है ये पर्सन, इस पाठ में से 2% कर लो, इसमें से 3 कर लो, यही आते रहते हैं 5 साल में घूम फिर करके, ऐसा नहीं। आप बारीकी से अध्ययन करो, बारीकी से अध्ययन करोगे तभी पूरी तरह से बात समझ में आएगी, अच्छे और अच्छे तरीके से लंबे समय तक याद रहेगी, आपका चरित्र भी उसमें निखरेगा और जो आपकी शिक्षा जो आपने प्राप्त की होगी वो अपने आप ही आपके अंदर से दिखाई देगी। और जो महज सिर्फ परीक्षा को परीक्षा समझ करके पढ़ रहा है, भाई ये इसमें से इम्पोर्टेंट है इनको याद कर लो, ये अक्सर देखा गया है, वो नंबर तो अच्छे हासिल कर लेगा लेकिन उसने जो रट्टा मार करके या जिस तरीके से शॉर्टकट विधि अपना करके जो नंबर प्राप्त किए हैं, भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं नौकरी के लिए होती हैं उनमें वो कामयाब नहीं हो पाते। ये तुमने देखा होगा कि भैया कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छे नंबर प्राप्त करे होते हैं, जिन्होंने प्लस टू में भी अच्छे करे थे, 10वीं में भी अच्छे करे थे, अच्छे कक्षा में हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन वो जो नौकरी के लिए जो भी फार्म भरते हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसका कारण यही होता है कि उसने जो शिक्षा हासिल की है, जो नंबर प्राप्त किए हैं, वो बहुत शॉर्टकट विधि में, और जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं उनको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी की थी। और जब भी जो पर्सन आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनमें बड़ी गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल बड़ा जो है कंपटीशन का जमाना है, किसमें देखते हो आप।